भाई आपके भरोसे पे मैंने उस जगह का एग्रीमेंट उसे दे दिया, लेकिन वो नरसिम्हा मुझे धोखा देकर किसी और के नाम कर रहा है। भाई भाई अपुन ने तो उसी दिन कहा था दरवाजे पे भीख मांगने वाले को चंदन लगा के घर पे बिठा के बिरयानी खिलाने से क्या फायदा। देखा ना क्या किया अपुन ने, फोन करके उसको बोला है कि इधर आ, आप हुक्म करो भाई, उसको यहीं पे पत्थर से कूच कूच के ऐसा मारूंगा ना कि सारी दुनिया उसकी मौत का तमाशा देखेगी। हाँ ए शांत हो जाओ रे, उसको आने तो दो, मैं बात करूंगा। ये तो आगे ला, इधर तलवार से, इसको छोड़ूंगा नहीं आज मैं। ए, ए, रुको रुको, मैं हूँ ना यहाँ पे। क्या भाई नरसिम्हा, मार्केट में कुली का काम करता था मैं, तुझे इस फील्ड में लाया, अब तू मुझे इस मार्केट से हटा के खुद इस पर कब्जा करना चाहता है। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मार्केट से हट जाऊंगा, पागल समझा है क्या मुझे? ये है तेरी असली जगह, तुझे पूरी जिंदगी मेरे कदमों में बितानी है, समझ गया? इधर उधर मुंह मारने के बाद तू आसमान से टकराना चाहता है, इतना आसान है क्या? तेरी मैं कभी भी हस्ती मिटा सकता हूँ नरसिम्हा। हे रेड्डी, देख रहे हो ना मेरे सामने इसकी क्या औकात है। भाई देख क्या रहे हो, मारो उसे। भाई भाई माफ कर दो भाई, गलती हो गई भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं गांव चला जाऊंगा, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा भाई, मुझे कुछ मत करना भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भाई, मुझे माफ, मैं गांव चला जाऊंगा। थोड़ी देर पहले तक तो तू मुझे काट के फेंक देना चाहता था, तूने कहा मैंने किया, तुम लोग बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा और ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, और उसके बाद सूरज निकलने से पहले ये शहर छोड़कर चला जाऊं। तू मुझे क्या सोने के दिल वाला डॉक्टर राजकुमार समझता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं रावण हूँ रावण, मैं बहुत ही भयंकर हूँ। अबे चचुंदर, तेरी इतनी हिम्मत तो मुझसे कम कर रहा है, चुपचाप पैसे से हाथ हटा दे। चुपचाप तुम लोग माल छोड़ के साइड में हटो, कुबेर का दिमाग अभी खराब मत करो। अबे पकड़ो उसको। अबे क्या समझा था तो हमको लूट के चला जाएगा, चलो भाई। तुम लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, अब सिर्फ दो मिनट रुको, ये कुबेर क्या चीज है पता चल जाएगा। एक अकेले को मारते हो तुम्हारी मदर्स एंड सिस्टर्स। अबे तेरी इतनी औकात तो मुझे गाली दे रहा है, चल देखता हूँ किसको बुलाएगा, चल बुला। अब देख क्या रहा है। ए चचुंदर तू क्या बोला, दो मिनट ना, 20 मिनट तक इधर ही बैठूंगा, तो किसको बुलाएगा बे, 5 लोग 10 लोग या 20 लोग को, चल बुला। एक बात सुन ले, तुझको और तेरे घोची लोग को काट कर गोली में भर दूंगा। अबे तुझे मारने के लिए 20 लोगों की जरूरत है क्या? मेरा एक अकेला दोस्त ही तुम सब पर भारी पड़ेगा, मेरा जिगरी ऑन्टी। टीवी सीरियल्स में तुम लोगों ने यमराज को भैंसे के ऊपर बैठा देखा होगा, लेकिन आज का ये यमराज बुलेट पे बैठ के तुम लोगों के लिए आ रहा है, डर तो नहीं जाओगे ना? ऑन्टी बोल रहा हूँ ऑन्टी।
अकेला उन लोग क्या उखाड़ेगा बे? सूरज भी एक ही होता है, उसको कोई टच कर सकता है क्या? वैसे धरती भी एक है, उसे टच करने वाला पाताल में चला जाता है। वैसे मेरी आंटी को कोई टच कर दे तो चटनी की तरह पीस देगा वो। आंटी बोले तो तू है क्या? ए पागल, हम किसके आदमी है जानते है क्या? तू किसके एरिया में पता है क्या? अब तेरे को बताना पड़ेगा कि ये एरिया किसका है। मैं अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे किसी और का इंट्रोडक्शन पसंद नहीं करता बे। अब तेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है तो थिएटर में तेरा 60 फीट का कटआउट लगा के मैं उस पे हार चढ़ाऊं क्या बे? थिएटर में 60 फीट के कटआउट की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक के मन में एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो भी छप गया तो काफी है। ए, जिसे तूने टच किया वो सिर्फ मेरा फ्रेंड ही नहीं है, मेरी जान है। तुझे फिल्मों का बहुत शौक है ना? आज मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगा कि हर जगह हाउसफुल का बोर्ड नजर आएगा। बोर्ड तो नजर आएगा पर थिएटर में नहीं बच्चे, शमशान घाट के ऊपर। कुबेर, चल यहां से चलते हैं। भैया आप सच में पागल हो क्या? आपको धमकी दिया मैंने, आपने ठोकाई की इन सब की,
आप मेरी भी ठुकाई कर देते तो बैलेंस हो जाता ना भैया। एक हजूर, तेरे बॉटल घुसेड़ के आधा घंटा हो गया। पता नहीं चला ना। वायलेंट में आके साइलेंट में काम बजा कर चला गया। छोटू, आखिर तू अपने आप को समझता क्या है? जब दिल करता है आता है, जब दिल करता है चले जाता है। अपनी मर्जी का मालिक है, इस घर को क्या धर्मशाला समझता है? दिन भर उस आवारा कुबेर के साथ घूमता है, तुझे कोई सवाल नहीं पूछता। अरे हमारी इज्जत है कि नहीं?
बैठ जीने का सहारा हो गया। देख तेरी ये हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मेरा नसीब ही खराब है। माँ आप ये सब टेंशन छोड़ो, आप चुपचाप खाना खाओ, फिर बाद में दवाई भी लेनी है। अमर मैं तुझे कोई ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक लाइन में स्टोरी बताओ, स्क्रीन प्ले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देख मेरे भाई, अगर तू कोई बिजनेस करना चाहता है तो मुझे बता, चाहे उधार ही लेना पड़े मैं इंतजाम कर दूंगा। और उसके बाद? उसके बाद अगर तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा तो दोनों भाइयों की कमाई से हम लोग अपना घर ले लेंगे। आखिर कब तक भाड़े के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो हम खुशी से रह सकते हैं, फिर माँ भी शांत रहेगी और हम भी शांति से रहेंगे। बस इतना ही? शांति से रहने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है क्या? हाँ। मैं तो वैसे ही बहुत शांत रहता हूँ भाई, पैसा आ जाएगा तो शांति चली जाएगी, शांति रहेगी तो पैसा हाथ से चला जाएगा ना, इसलिए मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, आई एम हैप्पी। देख सुन ले, तुझसे कैसी बात कर रहा है, सुन ले। माँ प्लीज आप जरा चुप रहो। सुनो अमर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं आपकी तरह हाथ में पाना पकड़ के रोज गराज जाके गधा मजूरी करते हुए अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता, अपनी तो एक सेपरेट दुनिया है। देखो अमर, तुम्हारा ऐसे पी के आना, लड़ाई झगड़ा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो पसंद है, लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरे पास घर जायदाद भले ही ना हो, लेकिन जायदाद के नाम पे ना भाई, इस शंकरनाथ के पास मान मर्यादा है जिस पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, और मैं चाहूंगा कि उस पे तेरी वजह से आगे भी कोई कलंक ना लगे। देखते रहो भाई, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे पीछे मेरे आगे लोग लाइन में तालियां बजाएंगे। ए, तू ताली बाद में बजाना, साहब तेरे को बजाने के लिए बुला रहे, चल जल्दी। लोकेशन शिफ्ट। ओहो, क्या ठाट है नवाब साहब के, हमारे काम करने के जगह पे पैर रखकर सो रहा है। अबे गोविंदराज, आज इसकी क्या कहानी है? सर वही पुरानी वाली, पिछली बार पब में था, इस बार ये क्लब में था। जब से तूने इसे चौकी में उठा के लाया है तब से ये टेबल ही अपना नहीं लग रहा है, ये चेयर भी अलग लग रही है, ये फैन भी बाजू वाले का लग रहा है। अबे ये सब छोड़, अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि मैं पुलिस वाला हूँ कि नहीं। देखना कैसे ये मेरे सीट पे घोड़ा बेच के सो रहा है। अबे ओए, ये लाट साहब ऐसे नहीं उठेगा, इसके थोबड़े पे एक ग्लास पानी मार। कौन है रे? गुड मॉर्निंग। और कुछ चाहिए? एक कॉफी। साहब उठ गए, सिर्फ कॉफी से कैसे चलेगा, पाव ब्रेड बिस्किट के साथ साथ नहाने के लिए साबुन भी मंगवा लेता हूँ। अबे तेरे को चौकी में उठा के लेके आए या लॉज में मजा मारने के लिए लेके आए? उठ बे लोफर, तू मुझे ऐसे घूर क्या रहा बे, तुझे पता नहीं कहाँ पर है? आपकी माँ की कसम मैं अच्छे से जानता हूँ ये पुलिस स्टेशन है सर। ओ अच्छा हो गया तूने मुझे बता दिया, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, मुझे लगा तेरे बाप का घर है। आप क्यों फालतू में उल्टा सीधा सोचते हो सर। अबे कौन वीआईपी आदमी सुबह सुबह तुझे फोन कर रहा है बे? कुबेर है सर। अच्छा वो चिंदी चोर बीड़ी छाप वाला, कहीं बीड़ी पे के पैसा नहीं दे पाया होगा इसलिए तुझे फोन कर रहा है वो। स्पीकर ऑन कर, मुझे भी सुनना है क्या बात कर रहा है वो। बोल कुबेर। कहाँ है भाई? वहीं जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। चाय कॉफी दी कि नहीं टकले ने? क्या पागल ऐसा है, एकदम उजड़ा चमन है भाई। जैसे अपने सर पे बाल नहीं मेंटेन कर पाता वैसे ही एक वाइफ नहीं मेंटेन कर पाता, पुलिस स्टेशन कैसे मेंटेन करता होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई आते टाइम मेरी तरफ से चार चमाट चिपका के आना, तो चार बाल बचे वो भी उड़ जाएंगे। उसको पूछ अभी कहाँ पे है वो। अभी तू कहाँ है दोस्त? सिंगापुर में मैं ना सर का मसाज करवाने जाने वाला था, पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया, इसीलिए अपने शकीला कटिंग सलून पे शेविंग करवा रहा हूँ। क्यों क्या हुआ? तू मित्र द्रोही है। क्यों सर ऐसे क्यों देख रहे हो, आपके इमोशन समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे। सोच रहा हूँ तुझे कौन से पोजीशन पे ठोकू जो तेरा मोशन सही हो जाए, तू ऐसा नहीं सुधरने वाला रे लोफर। लाठी को ज्यादा देर हाथ में नहीं रखना चाहिए सर, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और लाठी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जब भी मैं तुझे पकड़ने आता हूँ तू भाग जाता है, लगता है आज तेरा दिन सही नहीं चल रहा है। अच्छा एक बात बता, आज तूने अपना भविष्य नहीं देखा क्या? अबे कौन सी राशि है तेरी? तुला। तुला राशि के कॉलम में आज क्या लिखा है तुझे पता है? सनी लियोन के साथ रासलीला फिक्स है सर। ओहो, सनी लियोन के साथ रासलीला नहीं है, आज मैं तेरे पिछवाड़े पे सारे गामा बजाऊंगा, कुछ समझा? क्या बात कर रहे हैं सर? एपीसी। यस सर। ए,
अबे इसका साउंड म्यूट क्यों हो गया? जरा देख तो इसको। सर इसे तो बहुत मजा आ रहा है। सजा दे रहा हूँ तो मजा ले रहा है हाँ। और दिलाता हूँ तेरे को मजा। लार एक डंडा तेल लगा के। गुड मॉर्निंग सर। ए योगेंद्र। सर यहाँ आओ जरा। ये सब कौन है? सर ये तीनों लोग चेंज नेचर है सर। अभी एक राउंड ठुकाई हो चुकी है और एक राउंड ठुकाई होगी तो सारी चेन टेबल पे आ जाएगी सर। और वो लंबू कौन है? सर उसका नाम ऑंटी है सर। अपने चौकी की गाड़ियां जो रिपेयर करता है आप जानते हैं उसे, शंकर, उसका भाई है सर ये। देखने में तू 6 फीट के अमिताभ बच्चन की तरह दिख रहा है पर काम अमरीश पुरी वाला कर रहा है। ऑन्टी नाम तो अच्छा है, खुद रख लिया है या दिया गया है? दिया गया है। आपके डिपार्टमेंट नहीं, मुझे ये तमगा दिया है, उसी को मेंटेन कर रहा हूँ। नाम तो मेंटेन कर, लेकिन जैसे एरिया के कमजोर लोगों को मारपीट कर अपना हवा मेंटेन कर रहा है ना, जल्दी तेरा परलोक का टिकट काट दूंगा। क्या है सर, आपकी तरह वार्निंग देने वाले कितने इंस्पेक्टर्स देखे मैंने, इंस्पेक्टर प्रताप सिन्हा। सर ये मेरा भाई है। जानता हूँ मैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं ये इसको नहीं सिखाया? बड़ा भाई राम की तरह है और छोटा भाई रावण की तरह। तेरे बदन में ज्यादा गर्मी चढ़ गई है इसीलिए कमजोर लोगों को मारता फिर रहा है। देख लेना एक दिन तेरे बदन की सारी गर्मी पूरा निकाल दूंगा। तेरे भाई का चेहरा देखकर तुझे छोड़ रहा हूँ, अगर ये बात दोबारा रिपीट हुई ना तो जैसे तेरा भाई हमारी जीप रिपेयर करता है ना उसी तरह पुलिस चौकी में लाके तेरी रिपेयरिंग शुरू करूंगा। एंट्री करके छोड़ दो इसे। एसपी सुधाकर मेरे की तो पूरी वाट लगा दी रहे, लाठी उठा के मेरे बीन बजा के मेरे सुबह के बैठने के वादे कर दिए रे। उनकी मदर, उनकी सिस्टर आइला। बस करना बे, चुपचाप बैठ के पी। अच्छा तू कहता है तो चुप हो जाता हूँ गुरु। गुरु आज के जैसी मेरी हालत है सारा के साथ उससे ज्यादा डेंजर होता है। वो देखने में शांत दिखती है लेकिन अकेले में मेंटल हो जाती है। बात बात में मेरे को काटने दौड़ती है, एक दो चुम्मी चिपका तो दुम हिला के मेरे पीछे पड़ जाती है। अब एक सच बात बताऊं, उसको मेंटेन करने में इससे ज्यादा दर्द होता है। कुबेर बुरा समय शुरू होता है तो भगवान भी लात मारता है, पता है ना? पता है गुरु, लेकिन तुम इस टाइम क्यों बता रहे हो? तेरा बुरा समय शुरू हो के बहुत टाइम हो गया। जब तू 2-4 चुम्मी चिपका देता है तब मैं दुम हिलाकर तेरे पीछे पड़ जाती हूँ। नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सारो तेरा गुस्सा मुझ पे है तो उस पे क्यों उतार रही है? अब करेक्ट है। तो मैं क्या करूं भैया, पता है आज सवेरे से मैं आपका फोन ट्राई कर रही हूं। आज तो रक्षाबंधन है ना, आपको पता है ना मैं हर साल आपको राखी बांधती हूं। आप तो मेरे फोन का जवाब ही नहीं दे रहे थे, ट्राई करते करते मैं पक गई भैया। तू ऐसा क्यों सोच रही है, राखी है ना तेरे पास, आ जा बांध दे। भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं बहाना। मेरी बहन का ख्याल रखना, अगर कोई कमी हुई ना, अगर कोई भी जिंदगी में कमी हुई तो मैं बिना सोचे समझे आंटी के पास आ जाऊंगा और उससे होगा मेरा एक तीर से 2 शिकार, कुछ समझे? अगर मेरे सामने मेरे भैया से डाउरी मांगने की कोशिश की ना तो दरवाजा बंद करके बहुत मारूंगी। दरवाजा बंद करने की तकलीफ तू क्यों उठाएगी डार्लिंग, शादी हो जाने दे, दरवाजा मैं बंद कर दूंगा। आंटी मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, तू ऊपर आसमान में देख रहा है, अब आसमान में जाने के लिए तू सीढ़ी लगाने की सोच रहा है क्या? मैटर क्या है भाई? कुबेर हम लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग इस दिल में आके बस जाते हैं और कुछ लोग याद तो रहते हैं पर इन आँखों से कभी निकल नहीं पाते, समझा? अरे यार पका मत, चुपचाप बता देना तो हम दोनों तुझे छोड़कर निकल जाएंगे। कौन तुझे मिल गए, किसकी आँखों ने तुझसे बात की, चल बता दे भाई।
अब मैं समझ गई कौन है वो। अब ये सस्पेंस मुझसे सहा नहीं जा रहा है, जल्दी बता दे मेरे भाई। क्या हुआ? टेंशन है यार। अरे रे रे, कौन है भाई बता भी दे। अरे कम से कम यही बता दे, कहाँ वो तुझसे मिली? क्या बात है आंटी। सब लोगों का प्यार आंखों से स्टार्ट होके लाफे पे खत्म होता है, मगर तेरा प्यार लाफे से स्टार्ट होके आंखों में जाके अटक गया है। मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए आपको एक बात समझाती हूँ। आजकल के लड़के अट्रैक्शन को प्यार समझकर कंफ्यूज होकर घूमते रहते हैं, उन्हें कोई बताने वाला तो होता नहीं है। वैसे आप इसे प्यार समझकर कंफ्यूज मत हो जाना। सारो, जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के अंदर दो बैंड एक साथ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। जब उसकी आंखों से आंखें मिली तो न जाने मेरी आंखों ने उसे क्या कुछ नहीं बोल दिया। सच बताऊं तुम लोगों को, उससे मिलते ही लगा आज ही के दिन रमजान, दिवाली, क्रिसमस सब एक साथ मना लूं। ये अट्रैक्शन है कि ये पक्का प्यार है मेरे भाई। ए आंटी, मैं 2 फीट का हूँ फिर भी ये फुलझड़ी मुझे मिल गई। तू तो 6 फीट का है, वो कब तक दूर रहेगी? मेरी बात मान, चुंबक की तरफ देखना, वो तेरी तरफ खींची चली आएगी। प्लीज पारो, मेरी कंडीशन को तू समझना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। देखना पारो, पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी तरफ देख तो पारो, मैं तेरे लिए तो इतना बन के आता हूँ। ऐसे नहीं मानेगी तू। तू है क्या? कब से देख रहा हूँ तेरा, बोल रहा हूँ प्यार करता हूँ तो ऐश्वर्या राय की तरह नखरे दिखा रही है। एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं इसलिए चुप हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई क्या? बहुत घमंड है अपने चेहरे पर, हीरोइन समझती है। तेरे इस चेहरे को मैं खराब कर दूंगा। तू इस कृष्णा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मुझे हाँ करेगी तो कृष्णा की तरह मुरली बजाऊंगा तेरे लिए, नहीं तो मैं भी नहीं जानता तेरे साथ क्या करूंगा। चेहरा खराब करेगा। सर क्या हुआ सर? करना नहीं, करना है। कृष्ण की तरह मुरली बजाएगा, चेहरा खराब करेगा। करना बेटा, मेरी बंदी का चेहरा खराब करेगा। करना, जान से मार दूंगा बे, मेरी बंदी है वो, समझा? इस कॉलेज में तू ही क्या, कोई भी इसकी तरफ आंख उठा के देखा ना तो याद रखना, देखने के लायक नहीं रहोगे, चेहरा बिगाड़ेगा। हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी देर से सुन रही हूँ, किसे मेरी बंदी किए जा रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बंदी नहीं तो क्या, दूसरे की गर्लफ्रेंड को अपनी बंदी बोलो। छे, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। क्या बात है भाई, आज तेरा मूड देख के ऐसा लग रहा है तू एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास हो गया, क्यों? सच है ना? एग्जाम लिखने के बाद ही तो पता चलता है ना बे, इस ऑन्टी के फेल होने का चांस ही नहीं है। अगर मुझे मालूम पड़ता मैं फेल होने वाला हूँ तो यहाँ थोड़ी रहता, कहीं पे 90 पीते सैड सॉन्ग गा रहा होता। भाई लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है, तू फिलोसोफर बन गया है या पक्का लोफर है वो? मुझे लगा चलो ऐसे टाइम पे आके उसने मेरी हेल्प की है तो मुझे भी उसे थैंक्स बोलना चाहिए, उसने तो फायदा उठा के मुझे प्रपोज कर दिया। मिलने दो, एक बार मुझे दोबारा मिलाना
अच्छे से क्लास लूंगी उसकी। अरे छोड़ ना उसको, तो उसकी चिंता क्यों कर रही है? रोड पर ऐसे लड़के टकराना कॉमन बात है। अगर गोबर पे पत्थर मारेंगे तो छींटे हमारे ऊपर ही आएंगे। इन पर ध्यान मत दे। आज ये बहुत ज्ञान दे रहा है। कुबेर, अपन लोग लाइफ में फर्स्ट सरप्राइज तो भूल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रपोज कभी नहीं भूल सकते। ये सिगरेट के पैकेट में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिख के खराब फोटो डालते हैं, फिर भी हम दम मारते हैं ना। अपन 90 पीने बैठते हैं, उसमें भी अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, फिर भी अपन टाइट हो जाते हैं। ये लव भी उसी की तरह है। कुछ समझा क्या? मेरा दिमाग ही पक गया। आज वो क्या लेक्चर पढ़ा रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके लेक्चर सुनने से तो अच्छा है कि मैं तेरे साथ घूम लूं। यस। ओह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक साथ ही हैं। ए पारो, आ इंट्रोड्यूस कराती हूँ। रेड क्वीन मैं निकालूंगा, क्योंकि क्वीन हमेशा राजा की होती है। ओहो, क्या हो गया? आज दोनों लोग अड्डा इधर ही जमा लिए हो, आज कोई पूछने वाला नहीं है। ए पारो, मैंने तुझे बोला था ना मेरा बॉयफ्रेंड 2 फीट का है, यही है वो। पागल कहीं की। नाइस इंट्रोडक्शन। हेलो। और ये है मेरा भाई, ऑंटी नाम है इनका। हाय सरू, चलो चले यहाँ से। सरू, फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ आई हो, चाय पी के जरूर जाना। 2 में 4 टी लगा छोटो। अच्छा भैया, कहाँ तक पहुँचा आपका लव मैटर? वो मिली क्या? बात हुई उससे? वो भी मिली, हमारी नजर भी मिली, मैंने उसे प्रपोज भी किया। तू नहीं समझेगी सारो, लगता है उसके अंदर चर्बी कुछ ज्यादा ही है। हेलो हीरो, लड़कियों को तुम इतना चीप समझते हो क्या? कोई भी सड़क छाप आके प्रपोज करेगा और वो लड़की मान जाएगी? पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, खुशी मनाओ। ऐसी होती है लड़कियों की नियत। लड़कियों की नियत के बारे में हम नहीं जानते। जब 4 लड़कियां एक साथ खड़ी होती हैं, तब एक लड़की दूसरी लड़की को कहती है कि तेरा भाई कितना सुपर दिखता है, ही सो हॉट, कहती है ना, ये है तुम्हारी नियत। वैसे जब 4 लड़के खड़े होते हैं तो एक का भी सुना है कि बोल रहा हो, वो देख तेरी हॉट बहन जा रही है, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। ये है हम लड़कों की नियत। वाह सुपर यार। ए सारू, क्या हुआ? चल यहाँ से। ए पारो, ये भी ऐसी ही है। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, बाय कुबेर। सारो, पार्क में टाइम पे आ जाना। हे, क्या हुआ तुझे? मेरा भाई किसी और के बारे में बात कर रहा था, तू क्यों झगड़ गई? तेरा दिमाग कब खराब हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। ए, अभी तुझे बताया था ना, बस स्टॉप फाइट प्रपोज करने वाला लड़का। हाँ? वो और कोई नहीं है यार, वही है। क्या बोली? तुझे जिस लड़के ने छेड़ा वो मेरा भाई है? सच में उसने तुझे प्रपोज किया क्या? हाँ। तो इधर ही रुक, मैं बात करके आती हूँ। छोड़ूंगी नहीं। जाने दे, छोड़ो उसे। ए, क्या जाने दो? तू छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी फ्रेंड को उसने ऐसे कैसे छेड़ दिया? रुक, बात करके आती हूँ। एक मिनट भैया, उठो। इतनी जल्दी आ गई, चुम्मा चाहिए क्या? तू चुप कर। क्यों चिपकाई? ए, क्यों मार रही है इसको? उठ जाओ भैया, मेरा कचरा मत करो। ठीक है भैया, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आखिर में आपने मेरी फ्रेंड से ही प्यार कर लिया। आप देखना, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। यू आर मेड फॉर ईच अदर। लाइन क्लियर हो रही है? आप लोग फ्यूचर के पार्टनर हो, फिक्स है। आशीर्वाद दो भैया, उसे किसी हाल में छोड़ना मत। यू जरा। आंटी, सुपर सिलेक्शन है तेरा। ए, तो मेरे लिए अपने भाई के पैर क्यों पकड़ रही है? मेरे लिए उनसे ज्यादा तेरी फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट है यार। मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया है, अब वो तेरे पीछे नहीं पड़ेंगे। चल अब चलते हैं। सेल्फी प्लीज। नमस्ते सर। इसके गियर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जरा देख लो तुम। हाँ। ए कृष्णा, साहब की गाड़ी चेक करो। हाँ। और शंकर बाबू, क्या हालचाल है? आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है सर। अब धंधा भी पहले से बढ़ गया है। मुझे तुम्हारे धंधे से कुछ भी लेना देना नहीं। तुम्हारा छोटा भाई, उसके बारे में कुछ बताओ। वो भी बिल्कुल ठीक है सर, उस दिन के बाद से तो उसने सब छोड़ दिया। गुड। शंकर भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नीलगिरी नाम का एक एरिया है, जानते हो? जानता हूँ सर, वहाँ के बहुत सारे कस्टमर्स हमारे गैरेज में आते रहते हैं। क्यों, क्या हुआ सर? कल वहाँ से ना एक रेप और मर्डर का केस आया है, 2 घंटे के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर भी हुआ। उसमें एक आदमी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। भाई जीप रेडी हो गई है।
हाँ, अगर इस केस के बारे में तुम्हें कोई टिप मिले तो मुझे कॉल करना। हाँ पक्का सर। अच्छा शंकर भाई। सर, तुम्हारे जो ये चार लड़के हैं कितने दिन से तुम्हारे पास काम कर रहे हैं? पिछले साल भर से यही काम कर रहे हैं सर। क्या बात है सर? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, चलता हूं। ठीक है सर। सब इधर आओ। जिस वक्त साहब मुझसे मर्डर की बात कर रहे थे उस वक्त मैं तुम लोगों का थोबड़ा ही देख रहा था। उस वक्त तुम्हारे थोबड़े पे डर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे बताओ उस केस से तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे बोलो भी। उस रेप और मर्डर में हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है भाई। तो फिर इस केस से तुम्हारा क्या संबंध है? माँ की कसम भाई, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर ठीक है, मैं साहब को फोन करता हूँ, वो अपने हिसाब से पूछेंगे तब उनको ही बताएंगे। नहीं भाई, हमने ये किया भाई। तुम लोगों ने क्यों किया? आप तो जानते हैं हमें घर में भाड़े पे रहते हैं। वो मालिक बहुत अच्छा है भाई, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए इससे 8 लाख रुपए उधार लिए थे। शायद वो टाइम पे ब्याज नहीं लौटा पाए तो वो रोज घर पे आके गाली गलौज करने लगा। तब तक तो सब कुछ ठीक था भाई। एक दिन उसने बोल दिया कि तेरी बेटी और तेरी औरत को ब्याज के बदले उठा के ले जाऊंगा। ये बात सुनकर हमारे रूम के मालिक ने सुसाइड करने की कोशिश की। फिर उन्होंने ये बात हमें बताई। अब आप ही बताइए हम और क्या करते भाई। इसलिए कल रात को ये लो तुम्हारा पैसा एडवांस में, और मुझे कोई पैसा वापस नहीं चाहिए। लेकिन कल से कोई काम पे मत आना भैया। ए, अपनी जुबान से मुझे भाई मत बोलो। समझ में नहीं आता मैंने तुम लोगों को काम पे कैसे रखा। लगता है मेरी बुद्धि उस वक्त घास चढ़ने गई थी। चलो जाओ, मुझे माफ करो भैया। माफ कर दो भैया, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर चाहो तो दो लाफा मार लो भैया, पर हमें यहाँ से बाहर मत निकालो भैया। अगर दोबारा तुम लोगों ने ऐसी कोई भी गलती की तो ये शंकर खुद तुम्हें पुलिस चौकी ले जाएगा। जाओ अपना काम करो। ठीक है भैया, ये पैसे। तुम लोग इलेक्शन का सारा काम देख लो। हाँ। बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है सर। हम चलते हैं सर। मेरे डिपार्टमेंट वाले लोग तो तेरे बारे में हीरो के माफिक बिल्डअप मार रहे थे। मैं भी सोचा कि चलो आज हीरो से मिल ही लूं। तुझे देख के तो किसी भी एंगल से तू हीरो के आसपास भी नहीं लगता है। ए खाकी, मैं हीरो वीरो नहीं हूँ, समझा गया? विलन हूँ, पक्का विलन। खाकी पहनने से पहले मैं तुझसे बड़ा विलन था। मैंने अपनी सर्विस में तेरे जैसे कितने विलन देखे हैं जरा पता कर ले। खाकी पहन के ज्यादा उछल मत, जिस काम के लिए आया वही बता, वरना जगह खाली कर। तेरा भाई शिवा कहाँ है वो बता बे। पता नहीं, अगर तेरे को पता है और तेरे अंदर दम है ना तो जाके उसको पकड़ ले और उसे जेल में डाल के कोर्ट में प्रोड्यूस कर, और उसे वहां से कैसे रिलीज करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे भाई को धरती से रिलीज किए हुए बहुत देर हो गई है बेटा। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, वो सही है, मैं अभी फोन करके देखता हूँ। हेलो। ए, ए, छोटे, तू तू ठीक तो है ना? बता बता क्या हुआ भाई। मैं तो यार मजे कर रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ तू आराम कर। हाँ ठीक है भाई। ए खाकी, मुझसे उलझ के बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नरसिम्हा के बच्चे, एक छोटी सी बात क्या बोल दी तेरी हवा निकल गई तो सोच तेरा भाई जितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करता है उनके माँ बाप कैसे तड़पते होंगे। ए नरसिम्हा, तेरा और तेरे भाई का हैप्पी डे फिनिश। जिससे भी तुझे मीटिंग करनी है, डेटिंग करनी है, फिक्सिंग करनी है, वो तू सब आज कर ले, क्योंकि कल से तुझे कोर्ट, लॉकअप और इंक्वायरी में डालकर तुझे दिन रात टॉर्चर करूंगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्फर्म। ए नरसिम्हा नाम है तो अपने आप को सिंह समझ रहा है,
उसके आगे नर भी तो लगा है, तुझे देखकर नहीं लगता कि तू कहीं से नर है। एक हकी, तुम लोग गिने चुने हो, पूरे शहर में तो हम ही हैं। मतलब तू और तेरी पार्टी पांडव की तरह हो, मेचोरिटी बहुत ही कम है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जीतेंगे तो सिर्फ हम ही, तू इंतजार कर। ओ, ये द्वापर युग नहीं है बेटा, ये ना कलयुग है। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों की हवा है, द्वापर में कृष्णा की थी। कृष्णा को कलयुग में आना और कलयुग में उनका कल्कि का रूप है, तू बस इंतजार कर, तुझे उनके दर्शन जरूर होंगे। क्या आंटी, आज तू गैरेज का रास्ता कैसे भूल गया? क्या समाचार है? तुम लोग मेरे भाई के गैराज में कैसे काम करते हो देखने को आया हूँ। अपना अपना काम करो बे। चल यार, अपना काम कर। आंटी, आंटी, अगर वो बड़ा भाई पूछेगा? बड़ा भाई पूछे तो बोलना छोटा पैसा लेके गया, पाना पकड़ा ना, जा काम कर। हाँ सर, ब्रेक वगैरह सब चेक कर लिया है, बस ऑयल डालना बाकी रह गया है। आंटी भाई आए थे और वो एक मिनट सर, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। पैसे लेकर गया क्या? हाँ भैया। छोड़ो, जाने दो, आखिर उसके भी तो दुनिया भर के खर्चे होंगे। अगली बार आए तो कुछ भी मत बोलना। ठीक है भाई। चलो जाओ, तुम अपना काम करो। ठीक है। जरा देख तो कौन है वो। ठीक है बस। ए, चिल्ला रहा है, क्या हो गया बे? कट मार के खुद ही पूछ रहा है क्या हुआ बे? ए, या तो इसको जॉइन करा, नहीं तो दूसरा छपवा के दे। भैया, इसका टाइल्स टूट गया भाई, अब बोल रहा है छपवा के दो। नहीं छपवा के देता, बोल दे उसे जो उखाड़ना उखाड़ ले। चल बे। राम भगवान आए तो बाण चलता है, भीम आए तो चलता है उनका गदा, पर जब ओंटी आता है तो सिर्फ उसका हाथ चलता है। पानी, पानी बात कर। अच्छे, कौन था रे वो? कौन था बताओ? पता नहीं चला भाई, बंदा अकेले ही आया, पागल आदमी है, अकेले मार के चला गया भाई। कैसा दिखता है? उसका हुलिया बताओ मुझे। भैया, आंख ऐसी थी? हाँ भैया, एकदम ऐसी आंख थी। नाक भी ऐसी थी? हाँ भैया, एकदम ऐसी नाक थी। ऐसी हेयर स्टाइल थी और ऐसी स्माइल थी? हाँ भैया, एकदम सेम टू सेम यही चे। फोटो जरा ध्यान से देख। हुँ? ये सुपरस्टार सुदीप है बेटा। पर भैया, देखने में तो एकदम ऐसे लग रहा था। अरे तुम लोग पागल हो, मुझे भी मिलके पागल बनाना चाहते हो क्या? भैया, माँ की कसम खाता हूँ, आप देखने में एकदम सुपर स्टार विलन की तरह लगते हो। कुछ भी करो, इस शहर की गली गली छान मारो। दुर्योधन के कमर में वीकनेस थी, कृष्ण की दोस्ती में वीकनेस थी, उसकी भी कोई न कोई वीकनेस जरूर होगी। 24 घंटों के अंदर मुझे उसकी वीकनेस पता करके बताओ।
बात है, आज मेरा भाई कॉलेज तक पहुंच गया और आपकी निगाहें ढूंढ किसे रही हैं, बता भी दो ना, क्या समाचार है? कुछ नहीं, बस तेरा हालचाल पूछने आया था। सब कुछ ठीक तो है ना? कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं देता? मेरे सामने एक्टिंग मत करो भैया, आप पारो के लिए यहाँ आए हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सारो, वो जो घोंचू उससे बात कर रहा है, कौन है वो? वो तो हमारा क्लासमेट है संतोष। हाय। और अब ये कौन आ गया? ये भी हमारा क्लासमेट है, सुरेश नाम है इसका। तेरे क्लास में और टोटल कितने क्लासमेट्स है? इसके अलावा 20 जन और है, क्यों पूछ रहे हो भैया? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये फोटो में दिख रही है वो कौन है? दीदी। हाँ। और जो बुलेट पे बैठे है वो कौन है? जीजा। अब तू क्यों ऐसे रो रहा है बे? सर मैं अपनी दुख भरी कहानी आपको क्या बताऊं? ऑलरेडी घर पे 6 बहन बैठी हुई है और एक बहन बढ़ा दोगे तो दहेज कहाँ से लाऊंगा सर? थोड़ा डिस्काउंट दे देना सर। डिस्काउंट चाहिए? जरा मेरे पास आ जाना यार, ओवर एक्टिंग की दुकान। कान खोल के तुम सब लोग सुन लो, ये लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। अगर मुझे दिखा कि कॉलेज में उसके साथ कोई फेस टू फेस बात कर रहा है, फेसबुक पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो फिर पता है मैं क्या करूँगा? आज तो बच गए, सबको घाघरा पहना के फेसबुक पे हिट कर दूंगा। सॉरी यार पारो, थोड़ा लेट हो गई। तू इतनी अपसेट क्यों दिख रही है यार? सारू, आज क्लास का कोई भी लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा, हर कोई मुझे अवॉइड कर रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाय पारो। बुरा मत मान पारो, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे उस दिन बस स्टॉप पर तुझसे ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, सॉरी पारो। खैर ये सब छोड़, पारो से आज क्लास में कोई भी लड़का बात नहीं कर रहा है, तू इसके बारे में जानता है? हाँ, मुझे भी अभी अभी पता चला, तेरा भाई ऑन्टी कॉलेज में आया था, सारे क्लासमेट्स की धुलाई करके वार्निंग दिया कि कोई भी इससे बात नहीं करेगा, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है इससे। एनीवे बाय पारो, बाय सारो। पारो मैं तुझे कल बताने ही वाली थी। पारो पारो एक मिनट तो सुन, मेरी बात तो सुन ले। अरे मेरे भाई, तुम्हारा वन वे ट्रैक तो टू वे ट्रैक बन गया। हेलो माँ, मैं पारो बोल रही हूँ। पारो कैसी है बेटी, अच्छी तो है ना? मैं अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा। पारो ये क्या, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? मैं उदास नहीं हूँ माँ। क्या हुआ बताना मुझे। कुछ नहीं माँ, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए ना, इसलिए तुम्हारे हाथ का खाना मिस कर रही हूँ। बस इतनी सी बात, कल मैं तेरी फीस भरने के लिए कॉलेज तो आ ही रही हूँ, तो कल मैं तेरे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाऊंगी, 2 दिन तेरे साथ रहूंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। पारो क्या हुआ, किससे बात कर रही है? एक मिनट माँ। हाँ? मैं माँ से बात कर रही हूँ, बस अभी जल्दी आ जा। ठीक है माँ, बहुत लेट हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, मैं आपसे कल बात करती हूँ। अरे पार्वती रुको, तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो रही है। आखिर तुम कॉलेज आती ही किस लिए हो? अगर कोई रोड रोमियो तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुम्हें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी। अगर पुलिस को तुमने एक फोन कर दिया होता तो आज इतना बड़ा दिन नहीं देखना पड़ता। सर प्लीज, मेरी माँ आ रही है, दोबारा ऐसी कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी आपको, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। आखिर तुमसे किसने कहा कि इस कॉलेज में आके पढ़ो? क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ सर, इसने किया क्या है? आपकी बेटी हमारे कॉलेज की स्टूडेंट होकर हमारे ही कॉलेज का नाम खराब कर रही है, ये किसी आवारा लड़के के साथ घूम रही है और अब वो लड़का कॉलेज तक आने लगा है। बस बेटी को पैदा कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसकी परवरिश भी देखनी चाहिए, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं कॉलेज से सस्पेंड कर दूंगा। ठीक, पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं आपने। मां बस कर बेटी, बस कर, कितना भरोसा करती थी मैं तुझ पर, ये सिला दिया मेरे विश्वास का, ऐसा क्यों किया तूने बता? रोज फोन पर सब बातें बताती थी तो ये बात क्यों छिपाई? अच्छा अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अच्छा फर्ज निभाया तूने बेटा, अच्छा फर्ज निभाया। माँ मा, रुको माँ। ए ए लोफर, तुझे दिखता नहीं है क्या?
पैर पे थूक दिया, सॉरी। अब तेरे चेहरे पे थूकूंगा उसके लिए, नो सॉरी। क्या रहा है बे? अब तुम किसी की चिंता मत करो, आगे से कोई तुम्हें तंग करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं हुई है, तुमसे हुई है। एक लड़की का दिल जीतने के लिए कोई लड़का इतना नीचे गिर सकता है क्या? तुम किसी लड़की का प्यार जबरदस्ती नहीं पा सकते, समझे? अगर तुमने उसे जबरदस्ती पा भी लिया तो कोई उसे प्यार नहीं कहेगा। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो, और तो और नफरत के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर मेरे कॉलेज के आस पास भी नजर आए ना तो मैं तो तुम्हें नहीं मिलूंगी, मेरी लाश पेड़ से लटकी हुई मिलेगी। अब तुम्हारी मर्जी। कौन है यहाँ पे? एक फुल बॉटल और ले क्या? गुरु, मैंने देखा एक मिनट में तुमने फुल बोतल अपने अंदर डाल दी। लव, किसी से लव नहीं करना, किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना। अगर उससे दूर रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे। तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु, थोड़ा बीच में समझाओ ना इस बात को। फुल बोतल जैसा है ये लव, खाली होते ही देता है दर्द। फुल बॉटल जैसा है लव, खाली होते ही देता है दर्द। फुल बॉटल जैसा है लव, खाली होते ही देता है दर्द। लव का रोमांस देखो मिस हो गया, अब तो सूझे ना मैं क्या करूं। नात कह दे, इस नात कह दे, ये प्यार तेरी जान लेगा। ना तू कह दे,
नाथ दे दे ये प्यार तेरी जान देगा। कैसे कहूँ क्या फीलिंग है इस दिल को मुश्किल है संभालना, जो हाल मेरा है तू और किसी का न करना। अरे हे कितना तड़पा है दिल ये जब से तुम मिले, हे 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 मेरे तड़पते दिल को चैन अब किस दवा से मिले। नाथ कहते इस नाथ कहते ये प्यार तेरी जान लेगा। नाथ कहते इस नाथ कहते ये प्यार तेरी जान लेगा। तुम छुपे अब तोड़ना दिल को चुपके से, सुना सुना जग लगे छीन लिया तूने सुकून। मान ले जितना दूर रहेगा होगा पर हम सुखी। आए यार मेरे नहीं तो गली गली ढूंढेगा बोतल में तू अपनी खुशी। ओ फुल बोतल जैसा है लव, खाली होते ही देता है दर्द। लव का रोमांस देखो मिस हो गया अब तो सूझे ना मैं क्या करूं। नाथ कह दे इस नाथ कह दे ये प्यार तेरी जान लेगा। नाथ कह दे इस नाथ कह दे ये प्यार तेरी जान लेगा यारो। शिवा किसने किया, क्या हुआ? अरे बात कर, किसने किया ये? अरे कुछ तो बताना। भैया उस दिन पांडे को मारा था, आज अपने छोटे भाई को मार दिया। दोनों एक ही आदमी है भाई, उसका नाम ओंटी है। ए, 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 स्टॉप स्टॉप। अच्छा साहब कहाँ से आ रहे हो? ये लव के चक्कर में फंस गया था, बस कुछ खुशी ढूंढ के आ रहा हूँ। खुशी मिली क्या? चलो डीएल दिखाओ। डीएल? अभी तक तो उसने मुझे एलएल तक नहीं दिया, तो फिर तुम्हें डीएल कहाँ से लाकर दिखाऊं? ये टाइम पे कौन सा पागल फोन कर रहा है यार। हेलो, इस नरसिम्हा नायडू का नाम सुनते ही माँ अपने बच्चे से बोलती है कि गोदी से नीचे मत उतर, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने नरसिम्हा के भाई के ऊपर हाथ उठाया? तेरे अंदर इतनी हिम्मत? ए, तू अभी कहाँ है? जल्दी बता, अभी आके 1-on-1 करता हूँ। ए अंकल, सुनामी देखने का तुझे इतना ही शौक है तो YouTube में देख ले, अगर रियल में देखने का शौक पालेगा ना तू तो बहुत महंगा पड़ेगा। डर लग रहा है कि आऊंगा तो तुझे मार डालूंगा। क्यों हिम्मत नहीं है? ए, तुझसे मिलने के लिए हिम्मत की जरूरत है क्या? गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है तो काफी है बे। तो अभी कहाँ है बता? मैं करेक्ट 9th Circle चौक में खड़ा हूँ अंकल, तू यहाँ कहीं पे भी ढूंढेगा ना मैं ही मिलूंगा। अच्छा आते वक्त एक पैकेट सिगरेट लाना, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तेरी तो अभी बता दे तू लाएगा कि मैं भाग जाऊँ। लाता हूँ, वहीं रुक। ऑंटी तू ही है क्या? तू कहीं देखा देखा लगता है यार।
कलिमार भेजे में के भेज सर करता है, भेज की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। तू सेम टू सेम कल्लू मामा का डुप्लीकेट लगता है। तूने जब मुझसे फोन पर बात किया मुझे लगा तू मेरी ही रेंज का होगा, पर तू तो मेरे सामने एकदम बच्चा है। हा? तेरी हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी भी वाह, एकदम हीरो मटेरियल है। लुक और स्टाइल पसंद आए तो फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का, मुझे अच्छा लगा ना तो ही एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो डिलीट कर दूंगा फेसबुक से तुझे, लेकिन तेरे उस भाई को इस धरती से ही डिलीट कर दूंगा। किक मारता है नशा चढ़ने के बाद, लेकिन ऑन्टी मारता है दिमाग का दही होने के बाद। सिगरेट लाए कि नहीं? ले भाई, जलाने के लिए तेरा बाप आएगा क्या? जल्दी जला बे। मारना। तेरी आवाज में दम बाय बर्थ है, पर मुझ में हिम्मत गॉड की गिफ्ट है। अगर मुझे टच करेगा तो रिएक्शन ऐसे ही मिलेगा। तू सब कुछ भूल जा, मैं भी सब कुछ भूल जाऊंगा। तेरे भाई को भी सब कुछ भूलने को बोल दे। अगर उसने नहीं भूल के याद करने की कोशिश की तो तू अपने भाई को भूल जाना। अगर वो भी तुझसे नहीं हो पाया ना तो मैं तेरी चल बग बे। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, कॉलेज के गेट पे जो लेटर था वो मैंने चिपकाया था। इसने बस स्टॉप पे मुझे मारा था ना, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पारो मुझे माफ कर दे। पारो माफ कर दे मुझको पिया, तुझ बिन न लागे जिया। धड़कते हो दिल में मेरी सांसे बन के, माफ कर दे मुझको पिया, तुझ बिन न लागे जिया। धड़कते हो दिल में मेरी सांसे बन के, रुक जा ये पल यही रुक जा, ना जा मुझे छोड़ के ना जा रे। बिन तेरे ये क्या दुनिया है, सोनी सोनी सी लगे। देख के तुझको दिल को चैन मिले, गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दे सजना दिल से। देख ले बस एक नजर, है दुआ रुक जा ये पल यही रुक जा, ना जा मुझे छोड़ के ना जा रे। Thank you.
सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दिए, मुझे इसके सिवा कोई काम धाम नहीं है। कुबेर, ये तेरा कौन सा अवतार है? माँ, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए आज मैं आपको चॉकलेट देने आया हूँ। आशीर्वाद दे माते। जीता रहे, हमेशा खुश रहे। अरे माँ, ये हाथ में क्या है, भीख देने लाई हो क्या? अच्छा, तू समझ गया क्या? माँ माँ करके तू चिल्ला रहा था, मुझे लगा कोई भिखारी आया है, इसलिए ये लेके चली आई। अब माँ भी कचरा करने लगी। अंदर आ। चॉकलेट दिया है, कम से कम पैसा तो मिलना चाहिए। एक कामचोर, तेरा कामचोर दोस्त भी आया है, उसे मिल ले। अब मैं कामचोर भी हो गया। हे देवा। माँ जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। शंकर भैया, क्या हुआ? आपके लिए एक चॉकलेट है। इसलिए? आज मेरा बर्थडे है ना, ले लो भैया। खुश रहो। थैंक्स भैया। माँ जल्दी करो। शंकर भैया, मैंने आपको चॉकलेट खिलाया, आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे क्या? 90 quarter half full चिप्स टिप्स। ये लो, रख लो। ये सब छोड़ के मेहनत करना सीखो, खर्च करने के लिए कमाना भी आना चाहिए। कुछ समझ में आया? थैंक्स भैया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आया बड़ा बर्थडे बॉय। मेरी चपनी तोड़िए। 10 rupees, इससे तो वाइन शॉप तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बकवास है। कुबेर चल आ जा। हाँ, आ गया मेरा फाइनेंसर। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए माँ, अपने कुबेर को भैया ने 10 rupees दिए ना, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। चला जा। चलता हूँ माँ। इतना सारा खाना बनाया है, अब उसे कौन खाएगा? कोई ना कोई भिखारी मिल जाएगा माँ। जेब में दोनों की फूटी कौड़ी नहीं, शौक नबाबों के। हैप्पी बर्थडे टू यू कुबेर। ताली बजाने के लिए कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ बोलो माँ। मैंने चावल के डब्बे में 1000 rupees रखे थे, कहाँ गए? हेलो हेलो माँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मुझे सुनाई दे रहा है? हेलो, कॉर्ड दिया, घर पे आ बताती हूँ। कुबेर, मैं चाहता हूँ तू सारो को ऐसे ही जिंदगी भर हमेशा खुश रखे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारो, कुबेर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और तुम भी इसका हाथ कभी नहीं छोड़ना। अरे भैया, आप जो हमारे खुशी के बारे में इतना सोचते हैं, तो मैं कुबेर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूंगी? आंटी, मेरी तरफ से भी सेम टू सेम डायलॉग। हाय सारू। हाय पारो। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप दोनों अपनी फीलिंग शेयर करो, मैं आंटी के साथ जाके उसका दर्द शेयर करता हूँ। क्यों पारो, आंटी तुझे इग्नोर कर रहा है तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? तुझे एक बात बताऊं, जब मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे ना, तो ये बिल्डिंग ऑटोमेटिकली मेरे नाम पर हो गई। उसके बाद चाचा और मामा ये बिल्डिंग हड़पने आ गए। वो दोनों चाहते थे कि मैं ये बिल्डिंग पीजी में दे दूं। कोई मेरा खर्चा नहीं उठाना चाहता था। मेरे कॉलेज स्टडी में भी हेल्प करने के लिए वो दोनों तो नहीं आए। सामने सिर्फ मेरा मुंह बोला भाई आया। आंटी, इसका दिल समंदर के जैसा विशाल है, उसको कोई समझ नहीं सकता। तू सोच रही होगी कि उसने अगर तुझसे प्यार कर लिया तो उसे कोई और लड़की प्यार नहीं करती होगी। आज के जमाने में तू ऐसा कैसे सोच सकती है पारो? वो मेरा भाई है, इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने उसकी आंखों में तेरे सिवा और किसी के लिए प्यार नहीं देखा। मैं तो कहूंगी ऐसा प्यार तुझे खोना नहीं चाहिए। मेरे भाई के जैसा लड़का तुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं तुझे फोर्स करूं कि तू मेरे भाई के प्यार को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन एक बात तो सच है पारो, मेहनत से मिला पैसा और सच्चे प्यार करने वाले को खोना नहीं चाहिए। अगर खो दिया तो वो दोबारा तो नहीं मिल पाएगा। क्यों छोटू, दुकान का लोकेशन चेंज कर दिया? कहीं पे भी जाऊंगा तू तो तंग करने आ ही जाएगा। चल ठीक है, एक कड़क चाय पिला। देता हूँ। ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम की है। एक बड़ी फिल्म की मेकिंग के लिए एक सुंदर लड़की की आवश्यकता है। सिर्फ लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए। पक्का ये आहा उहू वाली फिल्म बना रहा होगा। तू कहीं भी जाता है, तुझे कोई काम तो देता नहीं है ना? तू वहाँ जाके ट्राई कर, तेरा रंग देख के कोई ना कोई काम दे देगा। तू ये कलर देख के मुझसे ऐसी बात मत कर, मेरा कलर लेके ही तमिलनाडु में रजनीकांत सुपर स्टार बन गए हैं और मैं उनका फैन बन गया हूँ। देखना, अगर मेरी किस्मत भी अच्छी होगी तो मैं भी एक बड़ा स्टार बन जाऊंगा।
आजकल हमारी फिल्म देखने के लिए पब्लिक थिएटर पर नहीं जाती है। तू हीरो बन गया तो थिएटर ही बंद हो जाएगा। ए, तुझे मेरे बारे में जो बोलना है वो बोल, लेकिन मेरे फिल्म लाइन के बारे में कुछ बोला तो तेरी वाट लगा दूंगा। मेरे फिल्म लाइन के बारे में तू जानता ही क्या है? अगर हमारे इंडस्ट्री वाले चाहे तो हॉलीवुड में जाके टाइटैनिक हो या अवतार 1, 2, 3 बना सारे पार्ट बना सकते हैं, लेकिन एक हॉलीवुड वाला यहाँ आके हमारी फिल्म बना के दिखा दे या कॉपी करके दिखा दे, तब मैं मानूंगा उनके अंदर भी ताकत है और अपन उनके पीछे। दोबारा हमारे फिल्म लाइन के बारे में कुछ बोला तो जाके कंप्लेंट करूंगा और बोलूंगा ये चाय की दुकान पे गांजा बेचता है। बिना काम के फंसा दे, चाय दे रहे। समझा क्या कि मैं और ज्ञान दूं? चल जल्दी आ। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। क्या हुआ बे, तू सुबह सुबह इससे पंगा ले रहा है? मैं पंगा ले रहा हूँ? ये घोंचू मुझसे पंगा ले रहा है गुरु। हम इसका ठेला ढूंढ ढूंढ कर चाय पीते हैं, इसको उसकी फिक्र नहीं है, हमारी बदनामी कर रहा है। अगर मैं पिया होता ना तो पक्का इसकी धुलाई करता, सच बोल रहा हूँ। ए, अगर तू रात को कहीं मुझे दिख गया ना, पीस पीस कर दूंगा। हेलो, लोकेशन भेज दिया है, दम है तो आके इसे बचा ले। आजा। सारू, 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 क्या हो गया सारू? किसने किया सारू? सारू, बता ना, उठना सारू, सारू उठना, सारू, सारू उठना, सारू, सारू छोड़ के चले गए भाई। उन लोगों ने मेरी सारू को मार दिया भाई, मैं कहीं का नहीं रहा भाई। ए, कौन है, बाहर निकल भाई। कुबेर, सामने आना। लड़की के ऊपर मर्दा की क्या दिखाता है? उप। कुबेर, 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 आंटी बहुत दर्द हो रहा है यार, एक को भी नहीं, एक को भी नहीं छोड़ना आंटी। कुबेर, कुबेर, आंटी, कुबेर, 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 उठना कुबेर, कुबेर, Ah!
पारू, माफ कर दे मुझको प्रिय, तुझ बिन न दिल ये लगे, धड़के तू दिल में मेरी सांस बन के। माफ कर दे मुझको प्रिय, तुझ बिना दिल ये लगे, धड़के तू दिल में मेरी सांस बन के। रुक जा ए पल यही रुक जा, ना जा मुझे छोड़ के ना जा दे। बिन तेरे ये क्या दुनिया है, सोनी सोनी सी लगे, देख के तुझको दिल को चैन मिले। गलती हो गई थी मुझसे, माफ कर दे सजनी दिल से, देख ले बस एक नजर है दुआ है दुआ। रुक जा ए पल यही रुक जा, ना जा मुझे छोड़ के ना जा रे। आंटी बेटी
शांत हो जा बेटी, तू क्यों रो रही है? जो आदमी किसी हत्यारे को मारता है उसे हमारा ये समाज वीर कहता है। उसने ही तेरी जान बचाई है बेटी। प्लीज ये मेडिसिन मंगवा दीजिए। मैं दवाइयां लेकर आती हूँ। पारू, उस इंसिडेंट को याद करने की शक्ति मुझ में नहीं है, और तो और तुम्हारी चीखें भी मैं सुनना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पारू, बचपन से ही जब चीता शेर शिकार करते थे तब देखकर मैं बहुत खुश होता था, लेकिन जो सामने मरने वाला तड़पता था उसे देखने की आदत तो मुझे कभी हुई ही नहीं। लेकिन आज मुझे उस चीज की फीलिंग हुई जब कुबेर और सारू मेरा साथ छोड़कर चले गए। कुबेर मेरे हाथों में था जब वो कह रहा था कि मुझे मरना नहीं है। वो हमेशा कहता था कि तुम हो तो क्या डर है। सारू भी मुझे छोड़ के चली गई, अब बस तुम बची हो। अगर तुम भी छोड़ के चली जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। पारो, तुम सुंदर दिखती हो ये सोच के मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, पर तुम जब किसी के साथ रहती हो और सामने खुशियां बांटती हो, ये बात मेरे दिल को भा गई। कहते हैं जिंदगी में किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, जानती हो क्यों? क्योंकि जब वो चला जाता है तो वो गुस्सा भी बहुत दुख देता है। जब ऊपर वाला सबका नसीब पेन से लिख रहा था ना पारो, तभी मेरा नसीब लिखते वक्त पेंसिल से लिख के कंजूसी कर दी। मैं जिन लोगों को अपने जान से ज्यादा चाहता हूं, धीरे धीरे वो सब मुझे छोड़ के जा रहे। और अब देखो ना, इन सारे फसाद की जड़ मैं अकेला बच गया हूं। ऑन्टी को छोड़ के सबके सब चले गए ना पारो, अब इनमें से कोई वापस नहीं आएगा पारो, और इसलिए मेरी वजह से तुम्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पारो। चलता हूं, सॉरी, अब शायद ना मिले। अंदर मत आना, मैंने तुझे कहा अंदर मत आना। पर क्यों माँ? मुझे अपनी माँ मत बोल। जब तू अपनी मुंह से मुझे माँ बोलता है ना, तो ऐसा लगता है जान चली जाएगी। हे भगवान, आज मेरा बेटा मेरे सामने मासूम लोगों को मार के खड़ा है। तेरे पैदा होते ही मैंने तुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? तू और अब कितने लोगों को मारना चाहते हैं बेटा, बोलना। अब मैं सबके सामने कैसे सर उठा के जी पाऊंगी समझ नहीं आता। हे भगवान, ऐसा नीच बेटा किसी दुश्मन की भी यहाँ पैदा ना हो, पैदा ना हो। नहीं, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैंने सोचा था सुधर जाएगा, मेरे मरने से पहले तो सुधर जाएगा, लेकिन अब तो तुझे देख के ऐसा नहीं लगता है। नहीं, तू जा, तू जा। पर मेरी बात तो सुनो। अब मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, चल निकल जा। पर क्या हुआ वो बोली ना, निकल जा। हे भगवान। सर, मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सर, लेकिन आज आपके सामने फैला रहा हूं। हो सके तो मेरे भाई को माफ कर दीजिए सर, अपनी तरफ से सुधरने का उसे एक मौका दीजिए सर। मेरा यकीन मानिए, वो बुरा लड़का नहीं है सर। सर प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। बचपन में अगर बच्चा स्लेट पर नाम लिखता है तो कहते हैं इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, लेकिन बड़े होने पे स्लेट पे नाम आ जाए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। शंकर भाई, तुम्हारा इस चौकी से पुराना नाता है, इसीलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ तुम अपने भाई को लेके आना। लेकिन लेकिन क्या, मैं उसे ठोक दूंगा, डर रहे हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे भाई को अपना इन्फॉर्मर बना लूंगा और उसे अरेस्ट करके उसकी सजा को कम कराने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है सर।
मैं चलता हूँ सर। सर तो आंटी को छोड़ देंगे? ए योगी, डिपार्टमेंट में काम करता है इतनी सी बात नहीं समझा? अगर शेर का शिकार करना हो तो हमें शंकर जैसे बकरों की बलि चढ़ानी ही पड़ेगी, क्या करें। भाई भाई, आंटी ने छोटे को मार दिया। चलो भैया, बदला नहीं लेना है क्या? जल्दी चलो। हेलो, बोलो भाई। आंटी, तू कहां पर है? शहर के बाहर। घर पे आया था, इस बात का पुलिस वालों को पता चल गया है। मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो बिल का अरेंजमेंट कर देगा, लेकिन उससे पहले लॉयर तुझसे बात करना चाहता है। एक घंटे में सिटी बार में आ जा। ठीक है भाई, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे बिना जीने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। पर मुझ में है। फालतू में तुम मेरे पीछे पड़ के अपनी जिंदगी को खराब मत करो। अच्छी जिंदगी को पाना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। सबके नसीब में वो नहीं होता, लेकिन तुम्हारे नसीब में है। इसे खोना मत। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लाइफ में एक अच्छा साथी ढूंढ के उससे शादी कर। तुम मुझे अवॉइड करके खुश रहोगे? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारा दुख बांट सकती हूँ, लेकिन ये ध्यान रखूंगी कि कोई दुख तुम्हारे पास ना आए। मैं तुम्हारा ध्यान तो रख सकती हूँ ना? पहले दुनिया वाले मुझे सिर्फ लोफर का टाइटल दिए थे, अब गुनहगार का टाइटल भी दे चुके। अब वो टाइटल मैं तुम्हारे साथ जुड़ते नहीं देख सकता। तुम कोई गुनहगार नहीं हो। तुमने गुस्से में बेमतलब किसी को नहीं मारा। उन्हें मारने का कोई कारण था। उसने कुबेर और सारू की जान ली थी। इसमें तुम्हारा प्यार दिखता है, और वही प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। उस प्यार को मुझसे दूर मत करो आंटी। पारो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। भगवान के लिए मेरी बात समझो। I love you आंटी, I love you। पारो, मैं अपने भाई से मिलके हमारे बारे में बात करूंगा। चलता हूँ। आंटी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हुआ भैया, लॉयर अभी तक आया नहीं? हाँ? अभी तक नहीं आया। मैंने फोन किया है, वो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अगर तब तक तू कुछ पीना चाहता है तो तू पी सकता है। आप ऐसी बात कर रहे हो? हाँ तो? कोई बात नहीं, जब मैं पी के आता था तब आप रोज मुझे डांटते थे, और आज आप ही मुझे पीने के लिए पूछ रहे हो, इसलिए समझ नहीं पाया। मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है। ए, कौन है यहाँ पे? आंटी, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मेरा भाई एक गुनहगार है। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। गुनहगार भैया, मैं आज एक बात बताऊं। हमने बचपन में पुराणों में सुना था कि इस देवता ने उस राक्षस का संहार किया, उस देवता ने इस राक्षस का संहार किया, सही है ना? अगर देवता किसी को मारेंगे तो संहार, और अगर मनुष्य किसी पापी मनुष्य को मारेगा तो वो गुनहगार। ये लॉजिक अच्छा है भैया। मेरी बहन सारों को जगह जगह पर मार के, नोच के, उसका रेप करके उसे नरक का रास्ता दिखा दिया उन पापियों ने, और आप चाहते हो कि मैं उन सबको छोड़ दूं? भैया, कुबेर के लिए माँ बाप भाई बहन सब मैं ही था ना भैया, लेकिन उसे भी उन लोगों ने मेरे सामने ही मार दिया, और आप कह रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए था। इसीलिए मैंने एक एक को
आप जानते हैं कुबेर की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? कुबेर कह रहा था, ऑंटी मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ भाई। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, गलत हुआ, वो भी मुझे अकेला छोड़कर। भैया आपने मुझे आज तक जो भी बातें बताई मुझे सारी की सारी याद है। मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना भैया, कितना सताया मैंने आपको। ऑंटी सुधर जाओ, ऐसे आपने और माँ ने कितनी बार कहा मुझसे, पर मेरा दिमाग खराब हो गया था। और देखो ना, पर अब सुधरूंगा भाई, अब मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ऊपर वाले ने मेरा साथ देने के लिए किसी को भेजा है, एक तरफ मेरी सारों को उसने छीन तो लिया पर पारो को भेज दिया। पारो वो मेरा इंतजार जिंदगी भर करेगी भैया, वो बहुत अच्छी लड़की है भैया, वो हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू बनेगी भैया। बस आप और माँ परमिशन दे दे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना भैया? हेलो हेलो शंकर पहुंच गए क्या? सर बोलिए सर, तुम्हारा भाई आ गया। हेलो, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो ऑंटी, लॉयर साहब फोन पे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं उनसे बाहर जाके बात करके आता हूँ, तब तक तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। शंकर अपने भाई को यहां लेकर के नहीं आया, समथिंग इज रॉन्ग। इतना हैरान मत हो आंटी, तुझे मारने के लिए भैया ने बोला है। भाई बता, तेरा भाई कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता भाई, भाई मुझे पूछ रहा हूँ। भाई छोड़ दो भाई, नहीं बताएगा। अरे माँ मुझे मत मारो भाई, मुझे नहीं पता। अरे मैं आपके पैर पड़ता हूँ भाई, मेरी यहाँ पे इज्जत है, मुझे ऐसे जलील मत कीजिए। यह बहुत बड़ी इज्जत है भाई, तो फिर बता। भाई। हाँ, नहीं भाई, भाई नहीं, भगवान नहीं भाई, मुझे छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दो भाई। शंकर बेटा, मेरे बेटे को मत मार, मत मार, क्या हाथ जोड़ दियो, मत मारो मेरे बेटे को, बेटा मेरे माँ को छोड़ दो माँ, माँ मैं वापस आऊंगा, अगर तब तक तूने मुझे अपने भाई का पता नहीं बताया तो तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगा। ए, चलो रे गाड़ी में चलो। माँ, 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 कुछ बोलना माँ, माँ कोई है? अरे क्या हो गया माँ? अगर ऐसा मेरा भाई होता ना तो मैं उसको मार के खुद जेल चला जाता। जिंदगी भर उसको पाला पोसा, क्या फायदा ऐसे लोगों को पाल के, ऐसे लोगों को तो जहर दे देना चाहिए।
बड़ा भाई राम, छोटा भाई रावण, क्या फायदा ऐसे भाई को पाल के? ऐसे भाई को पालने से तो अच्छा है उसे मार दो। आपने ऐसा क्यों किया भाई? अपने ही लड़कों को भेज दिया मुझे मारने के लिए। जब बड़ा भाई घर में मौजूद हो तो माँ बाप कहते हैं अपने बड़े भाई की सुनो, अपने भाई के साथ ही रहो। पर अगर बड़ा भाई छोटे भाई को मारना चाहता हो तब किस पर भरोसा करे? आज तक आपने मुझे पाला है भाई, अगर आप मुझे बोलते कि आपको मेरी जान चाहिए तो मैं एक सवाल भी नहीं पूछता। भैया ये जिंदगी तो आपने ही मुझे दी है ना, तो मौत भी आप खुद अपने हाथों से क्यों नहीं दे दिए? तब मुझे इतना दर्द नहीं होता ना। पर अब तो जा रहा हूं मैं। उन्टे, उन्टे, ए, उन्टे। मुझे माफ कर दे आंटी, तेरे कारण माँ मर गई। पूरे मोहल्ले के सामने नरसिम्हा ने मुझे नंगा करके मारा। माँ की मौत में सह नहीं पाया आंटी, सारे लोग तेरे नाम पे मुझे ताने मार रहे थे। आंटी उठ जा मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओंटे ओंटे उठ, ओंटे नमस्ते सर। परिस्थिति देखो ना कैसे राम को बदल के रावण बना देती है, तुम्हें देख के पता चल रहा है। चलो देखते हैं तुम्हारे भाई का सेंटीमेंट तुम्हें बचा लेता है या वो अपना स्टेटमेंट देके तुम्हें सेंट्रल जेल भेज देता है। अब सब उसके हाथ में है। Damn it! हेलो हेलो, हाँ बोलो, कौन से हॉस्पिटल में? मैं बस वहां 5 मिनट में पहुंच रहा हूं और वहीं उसे काट के फेंक दूंगा। चलो Come on.
ए आंटी, गलती से भी गलती मत करना, छोड़ दो उसे। बीच सड़क पे मेरे भाई की इज्जत उछाल दिया, मैं इसको जिंदा छोड़ दूं क्या? मेरी मासूम माँ को इसने बिना मतलब के मार दिया, मैं इस सुअर के बच्चे को जिंदा छोड़ दूं सर? Oh.